मेरा फ्रेंड गुड मॉर्निंग, और ये हॉस्पिटल में मेरा दूसरा दिन, और ये ऊपर एसी चालू हो गया। देख लीजिए, जैसे ही वीडियो ऑन किया वैसे ही एसी चालू हो गया, आवाज़ आने लगा। और अभी हम नहा के आ रहे हैं और ड्रेस चेंज हो गया है। ये हॉस्पिटल का ड्रेस है, यहाँ पे घर का ड्रेस नहीं पहनने देते। और अभी बाहर का सीन देख रहे थे। अभी तबीयत मेरा कुछ भी ख़राब नहीं लग रहा है हमको। डॉक्टर आया था, हस्बैंड से बात किया है, बोल रहा है एक दो दिन अभी और रुकना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से हार्मोन लेवल, ब्लड प्रेशर, ये सब कुछ बराबर नहीं है। सब बराबर होने के बाद ही ऑपरेशन करेंगे। और मेरा हार्मोन लेवल बोल रहे बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। और आपको दिखाते बाहर का सीन, और ये देखते बाहर का सीन। ये है बाहर का सीन, और ये हम लोग के रूम के अंदर का है। और सिस्टर आई है शायद दवाई देने के लिए। यहाँ पे ना हर 5 मिनट के 10 मिनट के बाद कोई ना कोई दिख रहा है। और अभी ऐसा हुआ ना, कोरोना में बेड नहीं मिल रहा है, जिसको जहाँ तहाँ एडमिट कर रहा है, जहाँ बेड खाली है। और ये आंटी का भी इन्हीं उसी चीज़ का ऑपरेशन हुआ है जो मेरे साथ हुआ है, और इनका भी उन्हीं उसी चीज़ का ऑपरेशन हुआ है। इन दोनों का हो गया है। और ये आंटी को कुछ ज़्यादा ही परेशानी है। और सिस्टर आई है, जिसका इंजेक्शन है, जिसका दवा है, सबको देने के लिए। और हम जब एडमिट हुए थे, मेरे पास कुछ भी नहीं था यहाँ पे, क्योंकि हमको पता नहीं था कि एडमिट होना है। हम घर से आए थे, मेरे पास कुछ नहीं था। और ये जो दिख रहा है आपको, ये पर्दा है, जब डॉक्टर चेक करने आती है ना तो घेरा कर देती है। और मेरे हस्बैंड ऑनलाइन भिजवाए हैं सारा सामान, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। और यहाँ किसी को मिलने नहीं दे रहा है, कि कोरोना टेस्ट करके अंदर लिया है ना, फिर बाहर वालों से मिलने नहीं दे रहा है। आपको दिखाते हैं क्या क्या लेके आया, कुछ गड़बड़ लेके आया है सामान। यहाँ के पहले जब आस्था हुई थी तो दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती थी, वहाँ साबुन शैम्पू नहीं मिलता था। यहाँ पे साबुन भी है, शैम्पू भी है, मगर हम यूज़ नहीं करते हॉस्पिटल का। ये हस्बैंड भिजवाए हैं, छोटा कोलगेट बोले थे तो ये बड़ा। और ये ब्रश कुछ भी हम लेके नहीं आए थे, ये साबुन। और ये ऑनलाइन वाले भैया लेके आए थे मॉल से। और ये ब्रेड, क्योंकि हॉस्पिटल का खाना हमको ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। और ये मास्क, हम घर से कुछ भी नहीं लेके आए थे। और ये स्ट्रो है, तो सब ऑनलाइन मेरे हस्बैंड बुक किए थे ना, वो खुद से शॉपिंग नहीं किए थे, तो उसको जो समझ में आया जैसा आया दे दिया। ये चाकू, ये दो दूध है, लैक्टोज सोया दूध है, और हम उसको कंगी बोले थे, घर से नहीं लाए हैं बड़ा कंगी, तो देखिए कितना तो छोटा सा दिया है, जेंट्स लोगों का कंगी दिया है। और ये केक है, इसमें मेरा ब्रश था। और ये भी केक है, ये भी केक है, और ये है विटामिन सी, जूस ही है, और ये भी जूस ही है, ऑरेंज, और ये भी जूस है, बहुत। मेरा फ़ोन गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जुगाड़ से काम चलाना पड़ रहा है ना, क्योंकि यहाँ वीडियो बनाने थोड़ी आए थे। और हाँ, सब कुछ गिर रहा है, देखिए हम नहीं दिख रहे, सामान दिख रहा है। और ये पूरा सामान बैक कैमरा से दिखा के आते हैं। और ये है पूरा सामान, 7 से मंगवाए थे, आए थे भैया देने के लिए, बाहर थे, हमको बोले, ये देखिए पाउडर बोले थे, तो ये बच्चों वाला पाउडर दिया है बच्चों को लगाने के लिए। और क्रीम हम कोई दूसरा बोले थे, ये दूसरा क्रीम लाया है। हाँ, और एक
और ये है नॉर्मली ब्रेड के साथ खाने के लिए। इसमें हॉल करवा के मेरे हस्बैंड बोल दिए थे कि हॉल करके देना, नहीं तो वहाँ पे हॉल कहाँ से करेंगे। और अभी कुछ देर में आएंगे मेरे हस्बैंड, बाहर से ही कुछ सामान दे के चले जाएंगे सिस्टर को। आस्था भी आएगी, आस्था बहुत ही ज़्यादा रो रही है, कल रात भर रोई है। आस्था भी आएगी मगर हम उसे मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो कल पूरा रात रोई है, दूध भी नहीं पी है, बहुत रो रही थी मम्मी के लिए। और एक है आंटी, एक आंटी है, उनके घर पे बहुत सारा फैमिली है, लेडीज़ लोग ढेर सारी हैं, तो वो बोल रही थी कि तेरे वाइफ के साथ ऐसा हो गया है तो बच्ची को मेरे घर पे दे दे। तो लेकिन अभी बीमारी है ना, आस्था के पापा थोड़ा रो लेके चले गए मगर किसी को देंगे नहीं। तो है आस्था के पापा घर पे, आज डॉक्टर बात किया तो बोल रहे कि अभी थोड़ा समय लगेगा इनके यहाँ से निकलने में। थोड़ा टेंशन है जॉब का, थोड़ा टेंशन है आस्था का, क्योंकि आप जानती हैं बीमारी में कितना खर्चा लग जाता है। और जॉब नहीं करेंगे तो, ठीक से जॉब नहीं करेंगे तो पैसा का भी तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और क्या बताएं, बहुत ही जल्दी में हम लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत ही जल्दी में घर ले लिए हड़बड़ी में, और उसके बाद घर का पूरा फर्नीचर नया ले लिए, बहुत ही पैसा हम लोग का बहुत ही पैसा ये हो गया है। बर्बाद तो नहीं बोलेंगे, सब बर्बादी नहीं होता है, लेकिन बहुत ही पैसा लग गया। हाल ही में गाड़ी भी ले ली, आप लोग देखें। उसके बाद करीब 3 साल से तो हम बीमारी चल रहे, आस्था हुई थी वो भी सीजेरियन डिलीवरी हुई थी आस्था। और अभी हम कब से, सितंबर से प्रॉपर मेरा इलाज चल रहा है। और जब भी जाते हैं ना 5,000, 2,000, 3,000, 5,000, 2,000 ऐसे ही लगते रहता है। तो अभी ऑपरेशन का इतना ज़्यादा खर्चा भी डॉक्टर बता दिया, तो हम लोग मम्मी से भी बात किए थे तो मम्मी को कुछ बोलना नहीं पड़ा था। मेरी मम्मी फटाक से उधर से इंडिया से पैसा लगा दी थी, एक है यहाँ पे राय राय करके हैं, वो हुंडी करते हैं, इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर करते हैं। तो मेरे हस्बैंड के पास पैसा था मगर फिर भी माँ बाप है ना, तो थोड़ा सुने तो मेरे पापा, तो पापा मम्मी तो उधर से हड़बड़ी में, हड़बड़ी हो गया क्योंकि हम लोग को भी इस बीमारी के बारे में पता नहीं था। तो हड़बड़ी में मम्मी पापा ने तुरंत वहाँ उधर से पैसा लगाया, तो हस्बैंड ने भी मना नहीं किया और वो ले लिए हैं और बोले कि चलो कोई बात नहीं है। थोड़ा सा ये लगता है ना, आउट लगता है, लेकिन मम्मी पापा हैं, मेरे मम्मी पापा आपके पास क्या है उससे मतलब नहीं रखते हैं, हमको अपने बेटे के लिए क्या करना है वो समझते हैं और उनको बताना नहीं पड़ता। और मेरी दीदी भी परेशान हो गई थी, बोल रही थी कि हम भी इधर से भेज रहे पैसा वैसा, हम मना किए लेकिन वो भी नहीं सुन रही है, वो भी जिद में आ गई है वो भी पैसा भेजने के लिए दीदी जीजा। मगर हम बोलते ज़रूरत नहीं है, हम लोग के पास पैसा है, हो रहा है काम हो रहा है। तो बोली नहीं, जब आदमी तकलीफ़ में है कब कितना पैसा डॉक्टर मांगेगा कोई नहीं जानता है ना, तुमको थोड़ी पता था कि अभी 1,00,000 रुपये ऑपरेशन के लिए डॉक्टर मांगेगा, तो अपने पास से पैसा रखना ज़रूरी है। अब खर्चा भी तो बहुत ज़्यादा है ना, एक इंसान नौकरी कर रहा है उस पर अगर बीमार पड़े, और ये सिस्टर भी मेरे हस्बैंड से बोल रही थी कि कुछ यूज़ कर लो यहाँ का, क्योंकि इतना इतना पैसा लगाना अच्छा बात नहीं, इंसान मेहनत लगा के कमाता है और बीमारी में कितना पैसा जाता है हम लोग जानते हैं, एक छोटा सा बीमारी में 10,000, 20,000, 30,000। और यहाँ आ गई है सिस्टर और आप लोग से लेंगे अलविदा, तब तक करते हैं बाय बाय। और ये वीडियो डाल देंगे, छोटा छोटा सा वीडियो डालते रहेंगे। चलिए फ्रेंड बाय।